सो गाइस, अभी मुझे इस दीवार के ऊपर रॉयल प्लेयर रैगिंग का रिक्वायरमेंट है। तो चलिए यार, पहले अपन इसका बेस कोट बना लेंगे दीवार के ऊपर। तो दोस्तों, यह हमारा पेंट ट्रे है और ये क्या लोकल वाला है, एशियन पेंट का नहीं होता तो भी हमारे को चल जाता। और यह अपना बेस है रॉयल लग्जरी इमोशन, बेस कोड आके 7271 है। ओके, 7271 बेस कोट है और यह रॉयल लग्जरी इमोशन है। तो दोस्तों, हम क्या ना कभी भी हमारे जो 1 लीटर पेंट होता है ना, जो बेस कोट में हम उसमें क्या ना सिर्फ 200 ग्राम ही पानी मिक्स करते हैं। ठीक है, लाइट कलर हो या डार्क कलर हो, डार्क कलर है तो हम कम मिलाएंगे, अगर लाइट कलर रहेगा तो हम बराबर 200 ml वाटर मिक्स करते हैं। और ये है हमारा ब्रश 2 इंच का। और क्या कि दोस्तों, ब्रश की साइज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ती, ब्रश आप कौन से भी साइज़ का इस्तेमाल करो। अपने को रूलर इंपॉर्टेंट है, रॉयल रूलर ही यूज़ करना, दूसरा लोकल रूलर यूज़ नहीं करना, ताकि उससे क्या ना अपना पेंट बराबर नहीं बनेगी दीवार के ऊपर। रॉयल रूलर इस्तेमाल करेंगे तो अपना जो है ना दीवार के ऊपर फिनिशिंग अच्छा आएगा, और ब्रश से अपने खाली दीवार के एडजस्ट पेज काम गिरता है तो अपने को ब्रश की साइज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ती। रूलर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियन पेंट रॉयल रूलर इस्तेमाल करिए, उसके जो बाले हैं ना बहुत बारीक बारीक रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी जो मेरे पीछे है ना, ये बेस कोट कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं इसके ऊपर टॉप कोट अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ पर क्या ना रैगिंग की रिक्वायरमेंट है, तो देखेंगे इसके ऊपर अपन कैसे भी 2-3 सैंपल बताते हैं तो कस्टमर को कौन सा पसंद आता है और किसका रिक्वायरमेंट जाता है। ठीक है, चलिए अभी मिक्स करते हैं टॉप कोट अप्लाई करने के लिए। यह पेंट रे हम जो बेस कोट में इस्तेमाल करें वही है, और ये रूलर भी वही है जो बेस कोट में हम इस्तेमाल करें। ये जो ब्रश है ना वो नहीं है जो हम बेस कोट में इस्तेमाल करें, वहाँ पर 2 इंच का था, यहाँ पर 4 इंच का है। जो ब्रश थी हमारा यहाँ से मिस हो चुका है। तो दोस्तों, चलिए अभी अपन बात करेंगे अपने टॉप कोट के लिए। ये है हमारा टॉप कोट रॉयल प्ले मेटालिक है। ठीक है, ये रॉयल प्ले मेटालिक है और ये आके सिल्वर है। ठीक है, और इसका कोड आके M002 है। M002 आप कौन से भी दुकान में जाके रॉयल प्ले मेटालिक सिल्वर बोलेगा तो आप ये दे देगा, कोड बोलने की जरूरत नहीं है। कौन से भी एशियन पेंट के दुकान में आप गए तो आपको ये पूरे का पूरा मिलेगा। 200 ग्राम पानी मिक्स करते हैं हम 1 लीटर में। तो क्या ना, अभी यहाँ पर हम थोड़ा ही पेंट लिए बोल के इसमें हम आधा ही मतलब कुछ तो भी पानी मिलाना बोल के हम इसमें पानी मिलाया। पानी इसमें मिलाना बहुत ज़रूरी है, पानी इसलिए मिलाना पड़ता है दोस्तों, अपने जो ब्रश और रूलर क्या ना दीवार के ऊपर अच्छी तरह पिसलेगा। ठीक है, उसी के लिए अपने क्या ना दीवार के ऊपर ब्रश और अपना रूलर पिसलने के लिए अपने को पानी मिलाना पड़ता है, कौन सा भी पेंट हो। और उसमें कितना भी क्वांटिटी हो अपने को वाटर मिक्स करना इम्पॉर्टेंट है अपने को। अभी हम टेक्सचर मेकिंग करने के लिए ये जो हमारा रैगिंग रूलर की हैंडल है, ये जो रैगिंग रूलर हैंडल को हम ये जो हमारे हाथ में लकड़ी है ना, ये लकड़ी में हम इसको फिट कर देंगे ताकि हम टेक्सचर क्या ना नीचे खड़ा रह के निकाल सके। ताकि आप भी कहाँ तो भी टेक्सचर निकालना चाहते हैं रैगिंग रूलर का, तो यार ऐसे इस्तेमाल करिए। ये जो पैटर्न हम जैसा भी कर रहे हैं ना, ये ट्रिक आप इस्तेमाल करिए ताकि आपके जो है ना पूरे के पूरे दीवार के ऊपर इवन आएगा, और नीचे से आपको पूरे का पूरा दीवार का आप मेक कर सकते हैं टेक्सचर, वो भी बिना पैच के। आपको मैं अभी एक बार चेकिंग करके भी दिखा देता हूँ, देखिए। ठीक है, हो चुका है ये सक्सेसफुल। चलिए अब हम पहले इसके ऊपर टॉप कोट अप्लाई करते हैं, पूरे के पूरे दीवार के ऊपर फुल टू फुल मैं टॉप कोट 2 टाइम्स अप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों, वो क्या ना मेरे टॉप कोट सूखती नहीं यार, मैं क्या ना आपको यहाँ पर पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ कितनी एक्चुअली मैं क्या ना यहाँ पर कैमरा लगा दिया, वो भी क्या ना मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ। वैसे मैं 2 फोन इस्तेमाल 2 मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी एक मोबाइल यहाँ पर लगा दिया, उसमें मैं वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करके काम करते जा रहा हूँ। तो जैसे मैं काम करते गए यार, मेरे को मेरा जो दूसरा फ़ोन के ऊपर फ़ोन आया था, वो जो ना मेरा दोस्त ने फ़ोन करा मुझे, मेरी क्लासमेट ने मुझे फ़ोन करा। तो मैं क्या ना वो फ़ोन बात करते करते हुए इस काम कर रहा हूँ, तो मैं सोचा कि ये जो है ये मोबाइल में पूरे का पूरा वीडियो रिकॉर्ड ही हो रहा बोल के मैं सोच के काम करते जा रहा था, ताकि इस मोबाइल पे भी फ़ोन आ चुका था। तो मेरे क्या ना जो कैमरा था वो कट हो गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं कितनी आराम से पेंटिंग कर रहा हूँ, वो भी मेरे दोस्त से मोबाइल पे बात करते हुए मैं टॉप कोट चढ़ा रहा हूँ, वो भी क्या ना बिल्कुल आराम से चढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पर क्या ना किटकी जो है ना वो ओपन है, और बाजू वाले एक डोर है वो भी ओपन ही है। वो डोर बंद करेंगे ना तो ये जो रूम के अंदर इतनी रोशनी नहीं आती, तो उसके लिए हम वो डोर खुला रख के हम यहाँ पर टॉप कोट अप्लाई कर रहे हैं ताकि वीडियो में अच्छी तरह दिखेगी बोल के।
हम ऐसे ही काम करते जा रहे हैं, हमने सोचे ये मोबाइल पे रिकॉर्ड होते जा रहा है, इस पर फोन आ गया तो हम पूरे के पूरे दीवार के ऊपर एक को टापड़ कंप्लीट करे बाद देखे थे। जिस फोन में हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो फोन में फोन भी आ चुका है, मतलब एक कॉल आया और कॉल आके हमारा वीडियो रोकी गया, जितना पेस हमने डाल दिया तो यहाँ पर हमारा वीडियो रुकी गया। तो यार हमने सोचे चलिए अभी टॉप कोड में लगाएंगे पूरे का पूरा, वो भी लाइव करेंगे बोल के हम सोच के हम जिस मोबाइल में बात कर रहे हैं ना उस मोबाइल से हम ये जो दीवार का पूरे का पूरा लाइव वीडियो बनाए थे। वो जो टॉप कोड हम सेकंड टाइम अप्लाई कर रहे थे उसमें हम डोर भी खुला है, खिड़की भी खुला है, पूरे का पूरा हम दिखाए। अगर चाहे तो आपको एंड स्क्रीन में वीडियो दे दूंगा, आप देख सकते हैं। अभी मैं क्या ना ऊपर से पहले जब फर्स्ट को टॉप को चढ़ाया था ऊपर से चढ़ा था, अभी क्या सेकंड को जब टॉप को चढ़ाता हूँ तो नीचे से चढ़ाता हूँ। क्यों ऐसे करने की वजह क्यों बोलते हो, अपन ऊपर से जब चढ़ाते हैं ना तो अपना रूलर एक लेवल में आता है, अभी अपन नीचे से चढ़ाएंगे सेम टू सेम सेकंड को अपन वैसे चढ़ाएंगे ना तो अपनी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, पहले हम जैसा लकड़ी पे हमारा रूलर हम फिक्स करें ना वो रूलर से अभी हम यहाँ पर टेक्सचर मेकिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या ना ये तो हमने पूरे का पूरा लाइव वीडियो में दिखाया तो वो वीडियो भी क्या उतना क्लैरिटी नहीं है यार। ठीक है, ये ऐसे करने में तो यार दीवार तो मस्त आई, आप होना बोलते आखिरी तक स्किप करके देख सकते हैं दीवार कैसी, हम पूरे के पूरे आखिरी में जो छोटे वीडियो निकलते हैं ना आप उसमें देख सकते हैं। सो दोस्तों आपको कहाँ तो भी ऐसे रैगिंग टेक्सचर मेकिंग करना है तो यार ऐसे बम्बू यूज़ करके वो बम्बू को अपना रैगिंग रूलर फिट कर दीजिए, फिट करके आपको पूरे के पूरे दीवार के ऊपर आप आराम से मेकिंग कर सकते हो, वो भी नीचे से पूरे का पूरा डायरेक्टली। और यहाँ पर जो बच्चा वीडियो निकल रहा था ना वो लाइव वीडियो चल रही थी हमारी, वो भी हम एंड स्क्रीन में दे देंगे देख लेना। और ये हो चुकी है हमारी कम्प्लीटली रॉयल प्लेट टेक्सचर डिज़ाइन फुल टू फुल वॉल। तो दोस्तों ये जो हमारी ट्रिक है ना बम्बू पे हम रैगिंग रूलर लगा के टेक्सचर मेकिंग करें तो यार ये आपको ये ट्रिक पसंद आए तो यार इसको एक लाइक मार देना और कमेंट में कर देना यार आपको कैसी लगी हमारी ये ट्रिक, अच्छी लगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या ना ऐसे करने से दीवार के ऊपर पूरे का पूरा पैच तो बिल्कुल नहीं आया और ये जो हमारा टॉप को नहीं सूखने की वजह हम लाइव वीडियो में बता दिए, एंड स्क्रीन में देंगे आपको वहाँ से देख